मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं ये एंशियंट इंडिया का, प्राचीन भारत का इतिहास में जैन धर्म पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया था कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और एक भागवत धर्म, ये तीन धर्म को पढ़ना है, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रायः एक क्वेश्चन आता रहता है 4 लोक सेवा आयोग में। तो हम लोग अभी जो स्टार्ट करेंगे वो है जैन धर्म। आप जानिए इस बात को कि जैन धर्म की जो शुरुआत है वो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र से ही हुआ है, इसके आसपास से ही हुआ है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म तो बिल्कुल सत्य है कि वैशाली के कुंडल ग्राम में ही हुआ था। क्वेश्चन अक्सर इससे आता है, जैसे त्रिरत्न, एक दिन पिछले हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से आया था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है, तो महावीर स्वामी है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी देखेंगे जैन धर्म के बारे में। ऋषभदेव जो इसके पहले तीर्थंकर हैं, तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करने के पहले पर डे की तरह एक हम लोग मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीना है जिंदगी तो आगे देखो। ओके, जहां अभी आप हैं उसे बैक देखिए तो आप कुछ भी नहीं है, और आगे देखिए तो आप बीपीएससी कंप्लीट करेंगे, यूपीएससी कंप्लीट करेंगे, अच्छे अधिकारी बनेंगे। तो इस के संदर्भ में लिखा गया है, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। ठीक है, ओके। आज का क्लास हम लोग जैन धर्म शुरू कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, जिसमें पहला हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। जैसा कि लिखा गया है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कहने का मतलब 16 महाजनपद की जो चर्चा है उसके आसपास, यानी उत्तर वैदिक काल जब खत्म होता है तब की कहानी शुरू है। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल जब फिनिश होता है 600 BC में, तब उसके बाद की बात हम लोग पढ़ेंगे। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध एवं निम्न गंगा मैदान के क्षेत्रों में, यानी बिहार की धरती पे, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है। भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। 62 बहुत ज्यादा है। इन धार्मिक संप्रदायों में जैन और बौद्ध, एक जैन संप्रदाय और दूसरा बौद्ध, सबसे महत्वपूर्ण थे। मगध की धरती बिहार, यह दोनों संप्रदाय धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलनों के रूप में सामने आए या उभरे। 62 में जैन और बौद्ध, क्योंकि बिहार की बात है तो बिहार का यहां पे आपको फिगर भी लगाया गया है। अच्छा से याद रखिएगा, सबसे ऊपर पश्चिम चंपारण, बाकी इसमें टोटल 38 जिले हैं। तो जो हम लोग अभी जैन धर्म पढ़ेंगे उसमें इसका इंपॉर्टेंस है, वैशाली का और नालंदा का, ये दो का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैशाली में जहां महावीर स्वामी का जन्म होगा, वहीं नालंदा में पावा में इनका मृत्यु हो जाता है। यानी गंगा के उत्तर भाग में, उत्तरी भौगोलिक क्षेत्रों में इनका जन्म स्थल है और मृत्यु स्थल है गंगा के दक्षिणी भौगोलिक क्षेत्र में। ओके, आगे चलते हैं। बिहार के मैप पर विशेष चर्चा जब बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे तब हम करेंगे। जैन धर्म कहता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहते हैं, आदि मतलब सबसे पुराना, ऋषभदेव या आदिनाथ है। ऋषभदेव का चर्चा ऋग वेद में भी है, और वैष्णव तीर्थंकर अरिष्ट नेमी का भी उल्लेख ऋग वेद में मिलता है। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आने वाला बीपीएससी के एग्जाम में कि ऋग वेद में, जो कि हम लोग पढ़े हैं 1500 से 1000 BC के बीच का काल को ऋग वेद काल कहते हैं, उसमें किन दो जैन तीर्थंकरों की चर्चा है, तो एक ऋषभदेव और दूसरा
अरिष्ट नेमी, याद रखिएगा, बहुत भीभीआई है, भीभीआई, भीभीआई को हम लोग क्या लिखते हैं, आर, रिवीजन करना है, रिमेम्बर करना है इसको। जैन तीर्थंकर, टोटल 24 तीर्थंकर हुए जैन में, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, और जो अंतिम तीर्थंकर हैं भगवान महावीर हैं, जिनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में होता है। जिसमें कुछ जो प्रमुख तीर्थंकर है उसमें हम लोग याद करेंगे। एक पहला ऋषभदेव याद रखना है आपको, दूसरा भी याद रखिए और तीसरा तक याद रखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऋषभदेव, अजीतनाथ और संभवनाथ। इसके बाद सब नाम पढ़ दे रहे हैं लेकिन लास्ट वाला फिर याद रखना है, 22, 23, 24। अभिनंदन, सुमित नाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ। देखिए सुपार्श्वनाथ, और आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्श्वनाथ, ठीक है, ये सुपार्श्वनाथ हैं। चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, ये सभी तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, और भी हैं अनंतनाथ, धरनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मलिलनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, याद रखिएगा 22वें तीर्थंकर, यहीं से आपको याद रखना है, अरिष्ट नेमी 22वें, ऋग्वेद में चर्चा, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें। और इसके पहले हम लोग पढ़े ऋषभदेव, अजीतनाथ दूसरा और संभवनाथ तीसरा। तो शुरू का तीन और लास्ट का तीन आप याद रखिए, यानी शुरू का ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, तीन इधर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर 22, 23 और 24, इतना आपको याद रखना है। जिसमें 22 में अरिष्ट नेमी, 23rd में पार्श्वनाथ और 24 में महावीर स्वामी जो लास्ट है। महावीर स्वामी का मैंने यहाँ पे तस्वीर लगाया है, देखिए यही महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी का एक बार अच्छा से दर्शन कर लीजिए। ये फिर कमिंग एग्जाम में, चूंकि इस लास्ट में अभी बहुत पूछा था तो इस बार फिर जैन से क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं आगे। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जीन, और जीन का मतलब होता है विजेता। जीन शब्द संस्कृत का जीन से जैन बना है, जिसका अर्थ है विजेता, याद रखेंगे। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहते हैं, जिसने जैन धर्म को स्थापित किया, जिसने जैन धर्म को आगे बढ़ाया, तीर्थंकर कहलाते हैं। जबकि महात्माओं, जो इसके महात्मा हुए, निग्रंथ कहे जाए, निग्रंथ यानी बहुत महात्मा मुनि होते हैं, लेकिन जिसने जो धर्म को स्थापित किया, 24 तीर्थंकर हुए। इसमें तीर्थंकर से तात्पर्य है वैसे व्यक्ति से जो अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, जो स्थापित किए मार्ग की, ऐसे मार्ग पे चलेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगा, अच्छा होगा, भविष्य ठीक होगा, है ना। महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। देखिए यही वैशाली जो भी जस्ट ऊपर आपको दिखा रहे थे, जस्ट गंगा नदी के वो साइड, जस्ट इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे हरियक वंश तो उसमें भी थोड़ा सा वैशाली का नाम आएगा, ठीक है। चलिए तो 599, देखिए बहुत सारे किताबों में 540 होगा लेकिन नहीं मारना है, 540 नहीं, गलत हो जाएगा, 540 BC किसी किसी किताब में है, ये गलत है, याद रखिएगा, यही सही है, बीपीएससी यही आंसर लेता है। 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे, याद रखिएगा सिद्धार्थ, और ये क्षत्रिय थे और क्षत्रिय के संघ के प्रधान भी थे, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम है। इनकी माता त्रिशला थी, ये लिच्छवी गणराज प्रमुख चेतक या चेटक महावीर के मामा हुए, यानी उनकी बहन जो त्रिशला है, चेतक लिच्छवी गणराज के राजा के बहन थी त्रिशला, यानी कि महावीर स्वामी के मामा हुए। फिर चलिए आगे देखते हैं, अब इनकी पत्नी की भी चर्चा है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, याद रखेंगे, और पत्नी यशोदा। तो सिद्धार्थ नाम याद रखना है,
यशोदा नाम याद रखना है, त्रिशला नाम याद रखना है, इसकी एक बेटी अनुजया या प्रियदर्शनी ये भी याद रखना है। प्रियदर्शनी या अनुजया का विवाह बाद में महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली से हो जाता है। प्रथम शिष्य जमाली, प्रियदर्शनी का विवाह इनके प्रथम शिष्य जमाली से होता है, जो कि बाद में विरोध भी करता है, जैन धर्म का एक नया संप्रदाय फिर बनाता है। हालांकि संप्रदाय नहीं बनाता है, विभाजन करता है उसमें। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर छोड़ दिए, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिए, घर से निकल गए। और 12 वर्ष बाद अर्थात 30 और 12 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष में हुआ। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए, क्षत्रिय परिवार से आते थे, माँ त्रिशला, पत्नी यशोदा, है ना, ये सब आपको याद रखना है, बेटी का नाम प्रियदर्शनी, ये सब याद रखेंगे। आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी को भी प्रियदर्शनी कहा करते थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जब वो गृह त्याग किए तो जरिम्भिक ग्राम, याद रखिएगा, ये सब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 42 वर्ष में, साल वृक्ष के नीचे। जबकि हम लोग बौद्ध पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा इससे अंतर आएगा। इसके बाद महावीर जीन या विजेता कहला गए, संस्कृत के शब्द जीन, जीन का मतलब विजेता होता है, इसके बाद ये विजेता कहला गया। महावीर से पहले कुल 23 तीर्थंकर, जिसमें कि पार्श्वनाथ 23 में है तीर्थंकर हुए थे, अर्थात महावीर अंतिम और 24 में तीर्थंकर हुए। बस इतने ही सिंपल सिंपल सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इतना ही याद नहीं रहता वहां पे। आपसे 23वां पूछा जाएगा, 24वां पूछा जाएगा, प्रथम पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा, 22वां पूछा जा सकता है, तीसरा पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जहां इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं याद रखिएगा, ओके। कहते हैं महावीर के अन्य नाम भी हैं, जैसे जीन, विजेता, अरहत, कवलीन, नाथपुत, ये सब भी इनको कहा गया है। हालांकि ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जीन याद रखिएगा, जीन ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हो गया, 42 वर्ष में वो ज्ञान प्राप्त किए, 30 वर्ष में घर छोड़ दिए थे, और 72 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। पावापुरी राजगिरी, आज भी है पावापुरी, आप देख सकते हैं जल मंदिर है वहां पे पावापुरी में, है ना, पावापुरी में मल शासक सुस्तपाल के राज में हुआ। उस समय मल का शासक सुस्तपाल था, उस क्षेत्र का जो राजा था, शासक था, वो सुस्तपाल था, ये पूछा जा सकता है। मल राज में इनका मृत्यु होता है, यानी गंगा नदी के दाएं किनारे में, जन्म होता है गंगा नदी के बाएं किनारे में। चलिए, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन, चूंकि 24वें तीर्थंकर ये हुए, उसके बाद तो कोई तीर्थंकर हुए ही नहीं, तो आखिर जैन धर्म कैसे चलेगा। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना, जैन संघ का अध्यक्ष, ये याद रखना है आपको, जैन संघ का अध्यक्ष बना, ना कि अगला तीर्थंकर आए, तीर्थंकर वहीं समाप्त हो जाता है महावीर स्वामी के मृत्यु के साथ। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया, उनके प्रथम शिष्य, ये लिखा हुआ शिष्य, जमाली से मतभेद हो गया, और जमाली इनके दामाद भी थे। मतभेद का कारण कहा गया है, बताया गया है, क्रियमान कृत, क्रियमान कृत का मतलब होता है कार्य करते ही पूर्ण हो जाना, यानी जो कार्य कर रहे हैं उसी समय पूर्ण हो जाएगा सारा चीज, यानी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये बताया है महावीर स्वामी ने। लेकिन इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत दिया, बहुत्तरवाद, बहुत्तरवाद यानी कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा,
यानी जो मोक्ष की प्राप्ति होगा जब कार्य हम कर लेंगे तब मोक्ष की प्राप्ति होगा, लेकिन महावीर के समय में कार्य करते ही पूर्ण हो जाना वो बताया गया नहीं, कार्य समाप्ति के बाद पूर्ण माना जाएगा, ये जमाली का कहना था यानी इनका दामाद का कहना था। इसी बात पे मतभेद हो गया दोनों में, जमाली इनके प्रथम शिष्य थे, दामाद भी थे, यही मतभेद का कारण रहा, यानी कार्य करते हुए कैसे पूर्ण होगा, और इनका कहना था कि नहीं कार्य समाप्त होगा तब पूर्ण होगा। वाकई में ये बात भी सही है, आप पढ़ाई बहुत अच्छा से कर लेंगे तभी आप सफल होंगे, ठीक है, इसी बात पे विभेद है। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीस गुप्त ने किया था, याद रखिएगा तीस गुप्त दूसरा विद्रोह का कारक था, पहला जमाली और दूसरा तीस गुप्त, याद रखेंगे केवल तीस गुप्त। चलिए आगे देखते हैं, नोट, आजीवक संप्रदाय, ये भी एग्जाम में पूछता है, बहुत पूछता है, मखालनी गोसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन, तो मखालनी गोसाल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं फिर, अब है पंच महाव्रत, जैन धर्म में पंच महाव्रत, आप लोगों को यदि ये वीडियो ठीक लगता है, चूंकि वीडियो बैकअप क्लास मिलता है आपको, तो इस वीडियो को और भी अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एटसेट्रा जो भी है वहां पे आप इसको जरूर शेयर कीजिए। पिछले क्लास का भी वीडियो आपको मिला, फिर इसका भी आज वीडियो आपको मिलेगा, और शेयर करने के बाद कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलते हैं, पंच महाव्रत जैन धर्म के 5 व्रत हैं, कौन कौन है देखिएगा, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना चाहिए, गांधी जी भी कहे हैं, सत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए, अस्ते चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए, जो पृथ्वी पर आएंगे अपने आप अपने जीने लायक संपत्ति इकट्ठा कर लेंगे, आने वाला समय के लिए हमें संपत्ति बहुत अर्जित करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह करना, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो ब्रह्मचर्य हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि 25 वर्षों तक जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसका पालन किया जाना चाहिए। प्रथम 4 महाव्रतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ के द्वारा किया गया, यानी 23 में जो तीर्थंकर हैं उनके द्वारा, लेकिन अंतिम जो है 5वां महाव्रत महावीर स्वामी यानी 24वें तीर्थंकर के द्वारा किया गया, 24वें और जोड़ा गया इसमें अनुव्रत, एक अनुव्रत भी है, महाव्रत के बाद एक अनुव्रत है, यानी वैसे लोग जो बहुत कठोर बातों का पालन नहीं कर सकते हैं जो ऊपर हम लोग लिखे हैं, तो उनके लिए अनुव्रत है। क्या है, गृहस्थ जीवन में यानी ब्रह्मचर्य जब खत्म होता है तो उसके बाद रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता ज्यादा है, इसलिए इन्हें अनुव्रत कहा गया, ठीक है, यानी इसमें कठोरता ज्यादा था तो अनुव्रत में कठोरता कम थोड़ा है, इसलिए इसकी बात कही गई, साफ लिखा गया गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम थी इसलिए इन्हें अनुव्रत कहा गया, यानी महाव्रत में ज्यादा कठोरता अनुव्रत में कम कठोरता कर दिया गया, जो गृहस्थ जीवन में रह रहे थे जैन लोग उनके लिए अनुव्रत है। चलिए आगे देखते हैं, त्रिरत्न, ये पूछा हुआ है बीपीएससी एग्जाम में आ चुका है, बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, जैन धर्म में 3 त्रिरत्न यही तो पूछा एग्जाम में, कितने थे, 3, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न कहलाता है जैन धर्म का, बीवीआई है, याद रखिए। आगे पढ़ते हैं, 2-4 बार वीडियो देखिएगा सब याद हो जाएगा, स्यादवाद, जैन धर्म के अनुसार 7 नय यानी आंशिक ज्ञान कहते हैं, नय यहां आंशिक ज्ञान को सुन यानी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, होते हैं जिन्हें स्यादवाद कहते हैं, आंशिक ज्ञान को ही स्यादवाद कहते हैं, इसे अनेकांतवाद और सप्तभंगी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, अनेकांतवाद
और सप्तभंगी भी कहते हैं। आंशिक ज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान नहीं है, आंशिक ज्ञान है, यही स्यादवाद कहलाता है। यानी जैन धर्म में जिनको जैन का आंशिक ज्ञान है वो स्यादवाद वादी कहलाते हैं। संलेखना एक क्रिया है, एक विधि है। संलेखना विधि के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में अपना शरीर त्याग किया था भद्रबाहु के साथ। निराहार एवं निर्जल, निराहार यानी बिना कुछ खाए संलेखना यही हुआ, और निर्जल बिना जल का सेवन किए हुए रहकर प्राण त्याग कर लेना ही संलेखना कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी पद्धति से अपने प्राण कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में त्यागे थे। ओके, याद हो रहा है सब आपको? स्यादवाद संलेखना सब याद हो रहा है आपको? जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व, जैन धर्म में देवता के अस्तित्व को माना गया है, लेकिन जीन से नीचे यानी विजेता से नीचे, जिनको केवल या ज्ञान प्राप्त हो गया उससे नीचे देवता है। यानी जिनको केवल या ज्ञान या जो जीन है जो विजेता है देवता उसके नीचे पायदान पे आते हैं। यह चीज है, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया तो गया परंतु उसका स्थान जीन के नीचे दिया गया है। यानी जीन के नीचे जो तीर्थंकर है वो जीन है तो उनके नीचे देवता है। आगे वर्ण व्यवस्था। महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। ठीक है, ये आज भी हम लोग थोड़ा मानते हैं कि आज अच्छा काम करेंगे तो आगे फिर अच्छा जन्म होगा, नहीं तो फिर निम्न कुल में चले जाएंगे, है ना। अच्छे कुल का मतलब हुआ मनुष्य में, निम्न कुल का मतलब हुआ मनुष्य के बाद। जैन धर्म का प्रसार जो फैला, जैन धर्म, हालांकि जैन धर्म यहाँ पे बौद्ध धर्म की तुलना में कम ही फैला है, जैन संप्रदाय बहुत कम लोग बचे रह गए। कहते हैं केवल या ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर या राजगिरी जो भी कह लें विपुचल पहाड़ी के पास दिया था, जबकि बौद्ध में आएंगे तो अलग हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा, है ना। विपुचल पहाड़ी राजगिरी में है या राजगीर में है, वहीं पे ये अपना प्रथम उपदेश दिए। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षुनी चंपा नरेश, चंपा जो आज मुंगेर भागलपुर का क्षेत्र है, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी, प्रथम भिक्षुनी चंदना। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, यानी शुरू का जो उनके मुख्य शिष्य थे उसमें 11 थे, जिन्हें गंधर कहा जाता है, जैन साहित्य में गंधर कहा जाता है इनके 11 शिष्य को। इनके प्रमुख शिष्यों में आनंद, सूर्यदेव, कामदेव, कुंडकोलिये, ये सभी इनके शिष्य हैं। हालांकि जमाली भी शिष्य हैं, यहाँ पे नहीं लिखाया है, जमाली भी इनके शिष्य हैं, ये सब इनके प्रमुख शिष्य हुए। आगे है महावीर ने प्राकृत भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया था। स्पेशल महावीर पूछा जाएगा कि महावीर किस भाषा में, तो आंसर होगा प्राकृत भाषा, VVI। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में, जहां इनका मृत्यु होता है, पावापुरी में एक जैन संघ की भी स्थापना किया था इसने, जैन संघ की स्थापना प्रचार प्रसार के लिए। और जो जैन धर्म का प्रचार है ये किस भाषा में हुआ, तो प्राकृत भाषा में, याद रखेंगे प्राकृत भाषा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, महावीर के अनुयायी यानी उस समय के जो कुछ शासक थे वो महावीर के अनुयायी भी हुए, जैन धर्म के अनुयायी हुए। इसमें लिच्छवी नरेश चेतक, महावीर स्वामी का मामा, ये तो मालूम ही आपको, शुरू में ही बताया गया। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का, मगध साम्राज्य का, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बाद में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागते हैं श्रवण बेलगोला। अमोघ वर्ष राजपूत नरेश, खारवेल कलिंग नरेश, चंद्र प्रघोत अवंती नरेश और
दधी वाहन चंपा नरेश, इसी की बेटी चंदना जो भी हम लोग ऊपर पढ़े, इनकी प्रथम बिच्छुनी थी। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इनके जो अनुयायी थे उनका एक छोटा सा यहाँ पे विवरण है। जैन धर्म में विभाजन विभाजन हुआ। परिशिष्ट पर्वन एक ग्रंथ है जैन धर्म का, इसके लेखक है हेमचंद्र के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक एक लंबा दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष या अकाल पड़ा था। मगध ये बिहार का क्षेत्र में, कहता है कि जब अकाल पड़ा तो इस कारण से बहुत से जैन मुनि या जैन अनुयायी भद्रबाहु के नेतृत्व में ये गंगा का मैदान छोड़ दिए, मगध छोड़ दिए और चले गए श्रवण बेलगोला कर्नाटक, और जो कुछ यहाँ रह गए वो अस्थूल भद्र के साथ रह गया। स्थूल का मतलब अस्थाई रह गया, यही यानी उसी समय से विभाजन हो गया, कुछ लोग उधर चले गए और कुछ लोग यहीं रह गए। जो दक्षिण की ओर गए श्रवण बेलगोला या कर्नाटक गए वो भद्रबाहु यानी बहकर चले गए, और जो यहां रह गए स्थूल यानी अस्थाई रह गए। तो जो मगध में रह गए अस्थाई हो गए और जो चले गए वो भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला चले गए। अकाल समाप्त, जब 12 वर्ष का अकाल समाप्त होता है तो फिर भद्रबाहु लौट करके आते हैं, अपने अनुयायियों को लेकर के आते हैं। भद्रबाहु और उनके समर्थक मगध वापस आ गए। आने पर जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनसे इनको मतभेद हो गया, यानी मतभेद ये हुआ कि अकाल के समय में आप हमें छोड़कर चले गए तो अब आप आए हैं आपकी जरूरत नहीं है। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया है। अब देखिए अकाल का समय है तो जैन धर्म का कितना पालन होगा, यही चीज भद्रबाहु को लगा कि यहाँ के लोग जैन धर्म का पालन नहीं किए। यहाँ कौन थे? अस्थूल भद्र थे, उनके साथ जो रह रहे थे। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्रा, जो अभी पटना कहलाता है, पाटलिपुत्रा में एक परिषद का आयोजन किया गया जिसका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार कर दिया, यानी वही भद्रबाहु वालों ने बहिष्कार कर दिया। इसी मतभेद से दक्षिणी जैन दिगंबर कहला गए और जो मगध के जैन श्वेतंबर कहला गए। जो श्वेतंबर होते हैं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जो दिगंबर होते हैं नंगे फिरते हैं, नंगे घूमते हैं। यही अंतर है दिगंबर और श्वेतंबर में। तो जो मगध में रह गए ये श्वेतंबर कहलाए और जो दक्षिण के मत वाले जैन है वो दिगंबर कहलाए। आगे जैन धर्म के प्रथम संगीति, दो संगीति होता है जैन धर्म में, दो संगीति, प्रथम संगीति 300 ईस्वी पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्रा में संपन्न हुआ था, जो अभी पटना है यहीं पे हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम जैन संगीति। और इस संगीति के अध्यक्ष थे अस्थूल भद्र, चूंकि अस्थूल ही तो रह गए थे यहाँ पे, इसलिए अस्थूल भद्र इस संगीति के अध्यक्ष बने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। इसी संगीति में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर दो शाखाओं में भी बट गया, जो दिगंबर दक्षिण और श्वेतांबर मगध वाले। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया है, जो शिक्षा दिया गया उसको 12 अंगों में किया गया है जैन धर्म का। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 12 अंगों में किया गया जैन धर्म के शिक्षा का संकलन 12 अंगों में, इंपॉर्टेंट है याद रखें। जैन धर्म की दूसरी संगीति 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी बल्लभी गुजरात में होता है। बल्लभी गुजरात दूसरी संगीति VVI, पहला पाटलिपुत्रा और दूसरा बल्लभी गुजरात। इसके अध्यक्ष हैं देवाधि मिनी या क्षमा श्रमण भी इनको कहते हैं, देवादि धर्मिनी या क्षमा श्रमण, जो 512 में होता है। इस संगीति में जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। जो पहला संगीति है उसमें श्वेतांबर दिगंबर में बदल दो भाग में बट गया, और जो दूसरा संगीति है इसमें लिपिबद्ध किया गया जैन ग्रंथों को। जैन ग्रंथों को जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आ चुका है, कहीं हम देखें क्वेश्चन आया हुआ है। जैन जो साहित्य है, जैन जो ग्रंथ है उसको आगम कहते हैं। इसमें 12 अंग, जैसा कि अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हैं, 12 उपांग, अंग और उपांग बराबर, 10 प्रकीर्ण है,
छेद सूत्र और चार मूल सूत्र है, याद रखेंगे। क्या क्या है इतना जानने की जरूरत नहीं है। 12 अंग और 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, किसमें? जैन साहित्य, जिसको हम लोग आगम कहते हैं। क्लियर है यहां तक? आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और रह गया है। चंपारण आईएएस, आप यदि वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन कमेंट्स ये सब जारी रखिए। और यदि आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है, संपूर्ण तैयारी, जरूर इन दोनों नंबर पे किसी पे भी कॉल कर सकते हैं। चंपारण आईएएस संस्थान प्रकाश सर और कुमार जय सर के निर्देशन में संचालित होता है, जहां सीडीपीओ एओ बीपीएससी 67 के लिए ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है। अभी जैसे ही ऑनलाइन खत्म होगा, अर्थात सरकार का जब निर्देश आ जाएगा कि आप ऑफलाइन कर सकते हैं, फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों यथावत जारी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा जो रह गया है। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं और प्रचार जो किए थे प्राकृत भाषा में महावीर किए थे, याद रखना ये दोनों चीज को, अर्धमागधी में लिखे गए हैं। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा, याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्प सूत्र किसने लिखा? आंसर भद्रबाहु होगा, सब वन लाइनर याद रखना आपको। प्रेमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभात चंद्र के द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है, ये सभी जैन साहित्य है, याद रखेंगे। महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालने वाला जैन साहित्य कौन है? तो भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजन पदों का भी विवरण मिलता है, 600 ईसा पूर्व के आसपास का जो भारत का इतिहास है, 16 महाजन पदों में बटा हुआ, उसकी चर्चा भी भगवती सूत्र में मिलती है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में मिलता है। भगवती सूत्र जीवन पर, महावीर के जीवन पर आधारित प्रकाश डालता है, और आचारांग सूत्र में भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग जैन धर्म के बारे में जान गए। अब आगे जो हम लोग कल पढ़ेंगे अगला वीडियो में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, हम इसका पीडीएफ यदि जो लोग डिमांड करेंगे, ये पीडीएफ संपूर्ण हम सेंड कर देंगे उनको। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, दैट्स इट।